हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। सो अर्लियर वीडियोस के अंदर हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। और अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स परचेस करना है वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है इसके अंदर हम क्वेश्चंस कवर करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। ओके, देखिए ये आपकी UGC NET Commerce के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप दिसंबर 2019 के लिए अपीयर हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनके अंदर से करेक्ट है। ओके, देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट आपको कह रही है कॉमर्शियल पेपर इज इश्यूड बाय अ कॉर्पोरेट। सो यहाँ पे बोला गया कि जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं इसको कौन इशू करता है, कॉर्पोरेट, दैट इज कोई कंपनी इशू करती है उसको। ओके, सो ये जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, बिकॉज देखिए जो भी कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, कॉमर्शियल का मतलब ही होता है कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो कोई भी बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन इशू कर सकता है, कोई भी कॉर्पोरेट या कंपनी। ओके, चलिए आगे देखते हैं स्टेटमेंट टू को। देखिए यहाँ पे बोला गया है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय अ बैंक। ओके, सो देखिए अर्लियर वीडियोज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है इसको कौन इशू करता है, तो इसको बैंक्स इशू करते हैं। ओके, ना उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि बैंक्स के अंदर भी इसको कौन कौन से बैंक्स इशू नहीं कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है इसको कौन कौन से बैंक इशू नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेटमेंट थ्री देखते हैं। यहाँ बोला गया आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ नॉन फंड बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें गिवन है, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई भी आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट यूज किया जाता है। देखिए जब आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं आपको यहाँ पे एक फियर होता है कि जो इम्पोर्टर है वो गुड्स रिसीव होने के बाद उसकी पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। अब हो भी सकता है कि गुड्स इम्पोर्ट होने के बाद उसकी पेमेंट से मना कर दे और ये आपको रिसीव कर जाए। यहाँ पे आपको गारंटी चाहिए होती है, ये गारंटी आपको प्रोवाइड करता है उस कंट्री का जहाँ पे आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टर कंट्री का जो बैंक है। यहाँ पे बैंक जो है गारंटी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को कि अगर मान लीजिए कि इम्पोर्टर डिफॉल्ट करता है उसकी पेमेंट से, जो उस इम्पोर्टर कंट्री का जो बैंक है ये उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगा टू द एक्सपोर्टर। ओके, ऐसा क्यों करता है ये बैंक, बिकॉज बैंक जो है उसके लिए एक फीस चार्ज करता है। बिकॉज देखिए यहाँ पे हो सकता है इम्पोर्टर की क्रेडिबिलिटी ना हो, बट हर एक बैंक की क्रेडिबिलिटी होती है। यहाँ पे जो बैंक होगा वो लायबल होता है अगर कोई भी इम्पोर्टर डिफॉल्ट करता है। ओके, इस केस के अंदर जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसको बोला जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, इसको कौन इशू करता है, इम्पोर्टर कंट्री का जो बैंक होता है, और किसको इशू किया जाता है, टू द एक्सपोर्टर। ओके, नाउ अब ये देखिए ये गारंटी स्टेटमेंट है, यहाँ पे फंड की बात नहीं की गई है, यहाँ पे गारंटी की बात की गई है। ओके, नाउ देखिए अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें, यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है, देखिए कोई भी बोरोअर अगर वो बैंक के पास लोन लेने जाता है अगर बैंक उसे लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में अगर उसे क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक स्पेसिफाइड अमाउंट उसे बता दिया जाता है, स्पेसिफाइड अमाउंट जो कि वो निकाल सकता है। अब सपोज मान लीजिए उसको 5 साल के लिए 10 लाख रुपीस का स्पेसिफाइड अमाउंट रखा गया है, यहाँ पे जो बोरोवर है वो 5 ईयर्स तक 10 लाख तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। अब सपोज यहाँ पे उसने फर्स्ट ईयर के अंदर 2 लाख रुपीस बोरो करे हैं, यहाँ पे उसके पास फर्दर 4 ईयर्स के लिए 8 लाख तक की बोरोइंग पावर है, मतलब कि वो यहाँ पे 8 लाख तक की अभी बोरोइंग कर सकता है। देखिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये प्योरली अमाउंट यानी कि फंड के अंदर डील करता है। ओके, नाउ बट यहाँ पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये क्रेडिट दैट इज गारंटी पे डील करता है। ओके, यहाँ पे ये नॉन फंड बेस्ड होता है। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको कॉलम वन की स्टेटमेंट को कॉलम टू के साथ मैच करना है। सो देख लेते हैं इसको जरा। देखिए यहाँ पे आपको कॉलम वन के अंदर बोला गया है नरसिम्हम कमेटी किससे रिलेट करती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी किससे रिलेट करता है, ECGC किससे रिलेट कर रहा है एंड स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट किससे रिलेट कर रहा है। सो देखिए सपोज आप यहाँ पे एक एज ए स्टूडेंट हैं, सो यहाँ पे आपको इसको कैसे अटेंड कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए इसके अंदर से आपको आता कौन कौन सा है। सो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ECGC का क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ओके अब देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या करता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ओके अब एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी भी देता है। ओके एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी क्या होती है, सपोज मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर मान लीजिए उसको कोई भी डैमेज हो जाता है इन द वे ऑफ ट्रांजिट, तो इसकी गारंटी कौन देता है आपको, ECGC, और इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है। सो देखिए यहाँ पे हमें कॉलम वन का ECGC तो हमें पता है, तो हम यहाँ से मैच कर सकते हैं क्या, एक्सपोर्ट फाइनेंस को। सो यहाँ पे आपका थर्ड का होगा क्या, ठीक है यहाँ पे हम थर्ड को मैच लिख लेते हैं साइड में, थर्ड का है आपका बी। चलिए अब देखें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सो देखिए अकाउंटिंग रेशियो में आपने पढ़ा होगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कौन शो करता है, करंट रेशियो। ओके करंट रेशियो आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी शो करता है। सो देखिए यहाँ पे आपका बी का सेकेंड का आंसर है ए। ओके अब देखिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से एक और चीज़ निकलती है, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कौन शो करता है, एक्सट्रीम। ओके तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कौन शो करता है, क्विक रेशियो। ओके सो आपकी एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कौन शो करता है, क्विक रेशियो। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप क्या आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो में डिफरेंस क्या होता है। ओके सो आप इसमें क्या एडजस्ट करते हैं, तो आप इसके अंदर करंट असेट्स को एडजस्ट करते हैं या करंट लाइबिलिटीज को, तो आप इसका आंसर कमेंट में करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपके दो ऑप्शन तो निकल चुके हैं, अब इसके बेसिस पे देखते हैं क्या कोई आंसर कर पा रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले थर्ड का है बी, सो देखिए थर्ड का बी आपको ए और बी में गिवन है। ओके और यहाँ पे देखिए सेकंड का आंसर क्या है, ए। सो देखिए ये भी इसके अंदर ही है। सो अब हम इसके बेसिस पे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ए और बी में क्या आंसर होगा, तो हमें और भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें नरसिम्हम कमेटी की, सो नरसिम्हम कमेटी के बारे में हमने अर्लियर वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, ये कब सेटअप हुई थी, इन द ईयर 1992। ओके अब देखिए ये 1992 में सेटअप हुई थी, तो इसका ऑब्जेक्टिव था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में कौन सा रिलेट कर रहा है, तो देखिए ए बी तो नहीं होंगे, सी और डी में देखिए स्टैंडर्ड असेट्स। ओके तो बैंक के जो असेट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड असेट्स, डिफॉल्ट असेट्स, NPAs इसके अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। ओके सो देखिए यहाँ पे नरसिम्हम कमेटी किससे रिलेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से, तो फर्स्ट का सी किसके अंदर गिवन है, देखिए बी के अंदर। सो यहाँ देखिए अगर हम इसके बेसिस पे भी आंसर करें तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये डायरेक्टली रिलेट कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, दैट इज ट्रेड फाइनेंस से। ओके चलिए अब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एक्सपोर्ट फाइनेंस और ट्रेड फाइनेंस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। अब मान लीजिए नहीं भी आ रहा है तब भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक्सपोर्ट फाइनेंस का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो होता है एक्सपोर्ट फाइनेंस। बट जो ट्रेड फाइनेंस है, ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आ जाते हैं। ओके सो हम ये कह सकते हैं जो ट्रेड फाइनेंस है एक वाइडर टर्म है। ओके और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस है ये एक पार्ट है ट्रेड फाइनेंस का। ओके चलिए सो यहाँ पे आप डिफरेंस को देख सकते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस और ट्रेड फाइनेंस के। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया आपसे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 डज नॉट डील विद। सो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 जो है ये किससे डील नहीं करता है। ओके तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फाइनेंशियल सुपरविजन ऑफ बैंक्स। सो देखिए अगर हम बात करें फाइनेंशियल सुपरविजन की तो उसको सुपरवाइज करता है RBI। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी देखें पॉलिसी प्लानिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए पॉलिसी प्लानिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, सो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक की पॉलिसी प्लानिंग कौन करता है, RBI करता है, नहीं करता है RBI। क्यों नहीं करता है बताता हूँ मैं। देखिए हमने अर्लियर वीडियो के अंदर डिस्कस किया था शेड्यूल टू ऑफ RBI। तो शेड्यूल टू ऑफ RBI के अंदर कई सारे बैंक्स थे जिसके अंदर आपके प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इन ये सारे कवर हो गए थे आपके शेड्यूल टू ऑफ RBI के अंदर।
बट यहाँ पे कुछ बैंक्स थे जो शेड्यूल टू ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं थे, तो जो शेड्यूल टू ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है वो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स हैं आपके, और ये बैंक्स बेसिकली आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखें तो यहाँ बोला गया है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसको कौन मैनेज करता है, उसको आरबीआई मैनेज करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये भी इस क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से इनकरेक्ट है। ओके, तो ये इनकरेक्ट लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी देखिए कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेसेस ऑफ बैंक। सो देखिए जो कैपिटल मैनेजमेंट होता है ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक, सो देखिए जो बैंकों का बिजनेस है उसका जो कैपिटल मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है आपसे बैंक अश्योरेंस इज। सो यहाँ पे बैंक अश्योरेंस पूछा गया कि बैंक अश्योरेंस क्या होता है। तो देखिए अगर हम बैंक अश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है, दैट इज बैंक प्लस इंश्योरेंस। ओके, बैंक एंड इंश्योरेंस। सो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं बैंक अश्योरेंस को। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अ कॉम्पोजिट फाइनेंशियल सर्विस ऑफरिंग बोथ बैंक एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो बैंक अश्योरेंस है ये कॉम्पोजिट फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसके अंदर बैंक और इंश्योरेंस प्रोडक्ट दोनों ही कंबाइंड होते हैं। ओके, सो ये छोटी छोटी टर्म्स आप याद रखेंगे सो आपको एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल होगा। सो देखिए अब इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। सो आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए सो दैट अगर इसके बेसिस पे कोई भी एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कवर कर पाएँ। अगर इससे रिलेटेड आपको एडवांस क्वेश्चन भी कवर करने हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम सारे क्वेश्चन इसके कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स द शेयर होल्डिंग पैटर्न इज। तो देखिए जो रीजनल रूरल बैंक्स है आपके दैट इज आरआरबीज, तो आरआरबीज के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, दैट इज कितने परसेंट शेयर होल्डिंग किसकी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है, स्टेट गवर्नमेंट की कितनी है एंड स्पॉन्सरिंग बैंक की कितनी है। तो देखिए इसके अंदर जो आरआरबीज होते हैं इसमें सेंट्रल बैंक की कितनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी होती है, 50% होती है। ओके, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की कितनी होती है, 15%, और आपकी जो स्पॉन्सरिंग बैंक होते हैं उसके कितनी होती है, रिमेनिंग 35%। तो देखिए अगर हम इन तीनों को देखें तो कौन सा मैच कर रहा है हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।